हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। सारे टाइप हमने देख लिए थे, आज देखेंगे उसके बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एयर के क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर ये फिलर में भी पूछते हैं कुछ ऐसे कीवर्ड, तो आप ये रूल फिलर में भी यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर वन है, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। नो एरर, बताइए कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए, बी, सी, डी या ई में, या नो एरर है, बताइए। ही वॉज नॉट, आप ट्राई कीजिए कि खुद से आंसर सॉल्व करें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है। ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। ओके, ही वॉज नॉट राइट है। सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे दैट दिख रहा है और सो दैट साथ में आता है, तो आंसर कैसे रहेगा, ही वॉज नॉट सो वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। सो वेल यहाँ पे क्या है, स्लैंग वर्ड है, वेल की जरूरत ही है नहीं। क्वेश्चन नंबर टू, मिस्टर वरुण, सॉरी मिसेस वरुण not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. यहाँ का ऑप्शन है no error. पता है ये कहाँ पे error है? Not only but also का question है, दिख रहा है but also यहाँ पे है, not only यहाँ पे, तो check करते हैं but also के बाद क्या रहा है, verb आ रहा है going, verb plus ing है, तो यहाँ पे भी not only के बाद क्या चाहिए, verb प्लस आई एनजी मीन्स कमिंग, तो स्टॉप इधर आएगा, यहां से स्टॉप हटके आएगा इधर। आंसर रहेगा, मिस्टर वरुण स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर थ्री, नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। दोज है ये, इसलिए आर्टिकल्स प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन। नोबडी एल्स बट, एल्स बट का रूल हम देखा था, जब भी एल्स आता है तो एल्स के साथ क्या आता है, बट भी आता है, मीन्स ये राइट है। यू माइट बी डिक्लेयर्ड, ये भी राइट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स, यहाँ पे एरर है क्या, नहीं, तो ऑप्शन है लास्ट वाला नो एरर, ई नंबर आता है नो एरर के प्लेस पे, तो ऑप्शन ई मार्क करना। क्वेश्चन नंबर फोर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज टाइम एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। नो एरर, लेस्ट दिख रहा है, मैंने आपको लेस्ट का मीनिंग बताया था, निगेटिव मीनिंग होता है इसका, और जब भी लेस्ट दिखता है तो ताकि नहीं, इसका मतलब होता है ताकि नहीं, तो लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है, मीन्स यहाँ पे रॉन्ग है, वुड यहाँ पे चाहिए शुड बी, लेस्ट यू शुड बी फेल। क्वेश्चन नंबर फाइव, सेल्डम और नेवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर All guilty to some extent, no error. Seldom और ever, जब भी seldom ever के साथ आता है तो यहाँ पे आता है if, और wrong है, क्या चाहिए, seldom if ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent. ये रहेगा आपका answer. Question number six, the officer was doubtful if some of the clerks of his office were involved in the library. देखिए doubtful का question है, हमने doubtful doubt के रूप, तो देखिए अगर doubtful के question में positive question दिखता है, question क्या है, positive है, some of the clerks of his office were involved in library, means positive question है, doubtful जब positive question में आता है तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो if या फिर whether, तो if है, means यहाँ पे है नो एरर, वर इन्वॉल्व इन लाइब्रेरी, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स
were asleep when the phone rang up. No error. Neither nor का question है. देखिए यहाँ पे article the नहीं चाहिए क्योंकि nor के बाद क्या है, his assistant है, noun है, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, noun ही चाहिए. Neither doctor nor his assistant were asleep when the phone rang up. ये रहेगा आपका answer. तो यहाँ से द हट जाएगा. पार्ट ए एरर है पार्ट ए में. क्वेश्चन नंबर 8. बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस. नो एरर. बिकॉज जब भी बिकॉज दिखता है सेंटेंस में इसके साथ सो नहीं आता है. बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ ही डज नॉट कम टू द ऑफिस. एक तो कॉमा आता है लेकिन सो नहीं आता. सो देयर फोर ऐसे कीवर्ड कभी भी बिकॉज के साथ नहीं आएंगे. तो एरर है थर्ड पार्ट में. यू मस्ट क्वेश्चन नंबर 9. यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पोलिस एल्स ही प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस. क्या चाहिए? यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पोलिस आइदर यहाँ पे आएगा और आएगा क्योंकि आइदर और होता है. मीन्स एरर है थर्ड पार्ट में. यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पोलिस यहाँ तक राइट है. और ही प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस. क्वेश्चन नंबर 10. एज सून एज द प्यून रिंग द बेल देन ऑल द स्टूडेंट असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर. देखिए एज सून एज दिख रहा है, मैंने रूल में बताया था अगर एज सून एज का क्वेश्चन है तो देन कभी भी यूज नहीं करना. देन वेन ऐसे कीवर्ड कभी भी कंजंक्शन कभी भी आएंगे नहीं. क्या है आंसर? एज सून एज द प्यून रिंग द बेल ऑल द स्टूडेंट असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर द फॉर प्रेयर. क्वेश्चन नंबर 11. ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल सेल्स गर्ल. क्या है? ही नॉट ओनली कम हियर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन है. बट ऑल्सो के बाद चेक करते क्या है. फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल सेल्स गर्ल. तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नॉट ओनली के बाद आएगा शॉपिंग, मीन्स फॉर शॉपिंग, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद क्या है? फॉर है. तो फॉर के बाद का जो भी वर्ड है वो नॉट ओनली के बाद आएगा और कम्स हियर पहले आएगा. तो आंसर क्या रहेगा? ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग. समझा इतना? यहाँ से कम्स हियर हटके यहाँ पे आ जाएगा. ही कम्स हियर नॉट ओनली. क्वेश्चन नंबर 12. हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शैटर्ड द बस इनटू पीसेस. हार्डली हैड जब भी आता है तो वेन हार्डली हैड वेन के साथ यूज करते हैं, रूल में बताया था. सो हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस. यहाँ पे क्या है? देन. यहाँ एरर है. यहाँ पे क्या चाहिए? वेन. When the bomb exploded and shattered the bus into pieces. ये है आपका सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. Scarcely had he bought the ticket when the guard showed the flag and train started. The train started, right है. Guard showed the flag, past tense का क्वेश्चन है. Bought the ticket. स्केयर्सली के साथ वे नहीं आता है. मीन्स यहाँ पे है नो एरर. क्वेश्चन नंबर 14. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट. और नॉट दिख रहा है. वेदर और नॉट वेदर के साथ आता है. देखिए कहीं वेदर की जरूरत है क्या? आई डोंट नो If any of the member of the party is conspiring against the president. देखिए यहाँ पे if है, यहाँ क्या चाहिए? Whether चाहिए.
आंसर क्या रहेगा, आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट. क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज परहैप्स सेम डॉग विच बीट हर वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट. नो एरर. देखिए कहाँ पे एरर है, दिस इज परहैप्स सेम डॉग. सेम, जब भी सेम दिखता है तो हमें क्या चाहिए, दैट चाहिए, तो यहाँ पे विच की जगह दैट आएगा. आंसर आएगा दिस इज परहैप्स सेम डॉग दैट बीट हर वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट. सेम हमेशा दैट के साथ ही आता है. क्वेश्चन नंबर 16, ही आस्क मी दैट व्हाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. नो एरर. ही आस्क मी, यहाँ तक राइट है. That why I was not preparing for civil service examination. देखिए that slang word है, यहाँ पे that की जरूरत ही नहीं है. आंसर रहेगा he asked me why I was not preparing for civil service examination. Question number 17. Both Hari as well as his wife are determined to bring about some changes in the plan. जब भी बोथ दिखता है तो एज वेल एज रहते हैं क्या, नहीं, एक तो एज वेल एज अलग आएगा, नहीं तो बोथ आएगा तो एंड के साथ आएगा. मीन्स यहाँ पे क्या चाहिए, एंड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर प्लूरल है. फर्स्ट रूल याद कीजिए कंजंक्शन का, तो यहाँ पे एंड एज वेल एज की जगह. क्वेश्चन नंबर 18, एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज insist on regular practice. No error. जब as दिख रहा है हमें तो so की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर वो perfectionist है, he always insist on regular practice. Means यहाँ पे so क्या है, slang word है, so चला जाएगा. Error है third part में. Question number 19, although these rooms are in need of repair but the owner does not take any notice of their condition. No error. Okay, although जब भी आता है तो हमें क्या चाहिए, कॉमा चाहिए, नहीं तो फिर एड चाहिए. ठीक है, although these rooms are in need of repair but the owner does not take any notice of their condition. यहाँ पे but की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ कॉमा दिख रहा है. एरर है थर्ड पार्ट में. क्वेश्चन नंबर 20, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल वर्क एज क्विकली लाइक हिम. यहाँ पे एज क्विकली एज चाहिए, तो लाइक है एरर. मीन्स एरर है कौन से पार्ट में, फोर पार्ट में. आंसर आएगा ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल वर्क एज क्विकली एज हिम. थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग. आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे.